बहुत वधिया जी मेरे बच्चे मिल गए मैंने इस तरह की चाहिए जी मैं खुशी मिल गई हाँ जी किस तरह का महसूस हो रहा है बहुत वधिया जी बहुत वधिया इस तरह की हो सकता है जी मैं गुरु साहब का बहुत बहुत शुकराना करता कि जिस माँ की भाल के मैं सो अज मैं 35 साल बाद मेरी माँ अज मेरे मैं अपना नहीं कहाँगा इस माँ का ही घर आ और पहली बार इस माँ मेरे घर के आके मेरे घर में पवित्र किया मैं बहुत ज़्यादा गुरु रामदास जी महाराज जी का शुकराना करता जिन्होंने मैं इन्ने योगा किया कि मैं अपनी माँ की जी सेवा कर सकता अज तो बाद किस तरह सेवा इन्होंने की जी गुरु साहब की बख्शिश उन्होंने अकल आ जिस तरह वो मेरे को कराने मैं इंसान जड़ा है खुद कुछ नहीं कर सकता सारा कुछ गुरु साहब वो परमात्मा ही करवाता है और मैं यही कहना चाहता कि मैं रेंदे श्वासा तक गुरु साहब अगर अरदास करता कि मेरी माँ की जी सेवा मेरे को ले लैन जी बहुत वड्डा परिवार है सारे खुशहाल ने बहुत वधिया तरीके रह रहे हैं और सारे रिश्तों मैं बखूबी तरह के नाल जिथे जिथे रिश्तों की जगह है उन्होंने मिलने की पूरी कोशिश करांगा जी बेटा रह रहा सा एक छोटा ब्रदर है और माता जी जो समाणा शहर रेंगे बिल्कुल जी नो डाउट जिस तरह होनी चाहिए उदा ही होगी उस तो बाद की होगी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मैं गुरिंद्रपाल सिंह गोरा मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कादिया तो अज संगत खुशी साझी कर रहा कि जदों साडे वीर भाई जगजीत सिंह जिन्हों का 35 साल पहला अपनी माँ ना विछोड़ा पिया जो इन्हों का जन्म होया इन्हों पिता जी की मौत हो जाती है परिवार जो को लका के जो रखा गया ये गुरु घर का कीर्तनिया बन गया गुरु के चरणों में बेनती करता रहा जदों कि माँ का भोग पैना तो उत्थे भावुक हो गए ने गल कहनी जे मेरी भी अज माँ होंगी तो मैं भी सेवा करता वो वड्डे भागा वाले बच्चे ने जिहड़े अपने मापिया की सेवा करते हैं मालिक ने मैं समझना सुनी है लागे हो गए अज अभी कहानियां जरूर सरवण दी सुनिया पढ़िया पर सरवण वेख्या नहीं किसी ने कहानियां वेखिया वो डगोरी वेखी जिद उन्होंने अपने पिता नूं जिन्हां दीआं अखां नहीं हन लैके गया सारे तीर्थ स्थानां ते अज उह सरवण दे रूप विच भाई जगजीत सिंह कादियां गुरु सिंह सभा गुरद्वारा साहब दा कीर्तनिया साडा छोटा वीर उहनूं वेख्या जा सकदा और दूजी बेनती है गुरु घर जांदा ही परमात्मा नूं पाउण लई रब नूं पाउण लई अरदासा करता है सरबत के भले की गल करता है अज रब चल के घर आया वह माँ के रूप में आया परमात्मा तो बाद जे दूजा ना किसी मिले तो माँ को मिले मैं समझना अच्छ साढ़े लिए इतों बाद कोई खुशी का पल नहीं देखो हड़ा दे लोग रुड़ रहे सन लोग अपन जाना बचा रहे सन उत्थे सेवा कर रहा मालिक ने विध बनाई है उस इलाके पटियाले जाके माँ ना मिलाप होना अज लोग मापियां घरों कढ़ रहे हैं ये 35 साल बाद अपनी माँ नूं घर लिया के खुशी महसूस कर रहा और मैं आस करना कि उन्हां दा समां जिहड़ा है कि माँ दे आशीर्वादां नाल माँ दी सेवा नाल कि होर रहमतां दी झोली च परमात्मा पाएगा माँ तों वड्डी कोई दुनिया ते सेवा नहीं ये अगे ही बड़ियां मावां दी बणिया बच्चियां दी बड़े जिहड़े बेसहारा ने उन्हां दी सेवा कर रहा पर अज जिहड़ी इहदी माँ नूं मिली है इहदी सेवा जदों करेगा फिर होर इहनूं बल मिलेगा कि मैं बाहर जा के होर भी वध सेवा करां मैं वधाई भी देना और धनवाद भी करना उस अकाल पुरख का सच्चे पातशाह तो हाँ रहमत करके बख्शिश करके साडे परिवार नूं कादियां विच जिहड़ी खुशी दित्ती है ते सदा इह खुशी इहदे कोल रवे जिन्ना चिर रवे ते अपनी माँ की सेवा उहदे चरणां विच रह के करके गुरु की असीस प्राप्त करे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह मैं तो शुकराना करांगा उस वाहिगुरु राम और सल्ला दा कि एक माँ नूं मिलना जिद्दां कि अंकल जी ने अगे कहा कि शरवण पुत्र मैनूं लगता कि अज उस रूप दे विच जगजीत नूं देखिया मैं परसनली जिन्ना क अटैचड हाँ ये नाल मतलब असी इन्ने का तुसी मगर देख सकते हो सारा इहदा प्रूफ है कोई गल्लां दी गल नहीं सारे वर्ल्ड च सारे इंडिया च न्यूज़ चैनल ने इहदी न्यूज़ चलाई और सारे ही इन्ने क भावुक है तुसी कमेंट्स देखो सब कुछ देखो उहदे विच वाकई इहदा सारा किरत कमाई इहदी नज़र आ रही है आ तुसी पोस्ट देखो कि कोई मैनूं लगदा इलाज तो एक माँ पता नहीं किन्नियां क मावां दा इलाज करा लिया जदों मैनूं फोन आया था इदा का गल है पटियाले पता लगे इतफाक वाली गल है कि उतों कॉल आंदा है ये पिंड च मदर आंदे ते मैनूं लगदा फोन हथों डिग गया उहदे च फिर ये जांदे ने लभदे 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 पिंड च जांदे ने पिंड च जाके फिर जदों पता लगदा ते जाके मैनूं बाहरों कॉल करदा मैं अंदर जावां कि ना जावां
ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਹਰਟ ਟਚਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨਦਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਰਾਮ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਗਜੀਤ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ। ਕਿਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਇਹ 'ਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਓਪਰੇਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।